घोषित होने के बाद खासी हलचल हो गई है। एक और जहां बीजेपी को अपने प्रत्याशी ढूंढने पड़ रहे हैं, तो वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अंजना मेघवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जो कि खुद आरएस में परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी है, जीत की प्रबलता बताती है। जैसलमेर जिला काफी पिछड़ा है और कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम रहा है। शिक्षा की बात करें तो भी बिल्कुल निम्न है और लड़कियों की शिक्षा तो ना के बराबर रही है। ऐसे में आजादी के बाद पहली बार यहां जिला परिषद जिला प्रमुख की सीट अनुसूचित जाति महिला आने पर बीजेपी के लिए जहां असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने आरएएस की पढ़ाई कर रही अंजना मेघवाल को अपना प्रत्याशी तय किया है। ऐसी महिला में हमारी अंजना मेघवाल जो आरएएस क्लियर है और वो अभी जनसेवा करनी चाहती है, वो भी नौकरी में अभी नहीं जाना चाहते, वो कहते मैं जनसेवा करूंगी, तो हमने उनको प्रपोज किया। अंजना मेघवाल इससे पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे रूपा राम मेघवाल की बेटी है, जो बीजेपी विधायक थे, सिर्फ 2500 वोटों से हार गए थे। अंजना मेघवाल ने बताया कि आज महिला सीट आने से जैसलमेर के लिए बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि ये ऐसी सीट रिजर्व हुई है जैसलमेर की, और जैसलमेर वार्ड में जब भी हम जानते हैं कि काफी पिछड़ा हुआ एरिया है, तो मुझे तो डायरेक्ट अवसर मिल रहा है, तो मैंने इसमें आने के लिए मुझे खुशी है आके कि मैं इसके जैसलमेर के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊंगी। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को उम्मीदवार तलाशने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो जैसलमेर राजनीति में जसवंत सिंह धाड़ा अभी इनसे काफी नाराज है और दबी जुबान में वो लोग बीजेपी को समर्थन देते नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो हम लोग हमारे साथ आ गए, बिल्कुल इस बार उस हमारे साथ मिल गए, मिल करके थोड़ी बहुत नाराजगी होती है परिवार में, उनको हमने मना लिया और मिल करके कह रहे हैं ऐसी कोई दोनों ये भी है कि कहीं कहीं पर बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा कहीं भी है बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है। क्या कहेंगे दोनों तीन तीन चार क्या कहेंगे जिला प्रमुख किस पार्टी का बनेगा? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी है, हमारे केंद्र में राजस्थान में सरकार कड़ी से कड़ी मिली हुई, अभी गांव की सरकार बनाएंगे हमें पूरा विश्वास है।